न्यूज फॉर नेशन की एक पुकार, घर पर रहिए सपरिवार, स्टे होम स्टे सेफ। लॉकडाउन के 18वें दिन हम इस वक्त मौजूद हैं सिवान और गोपालगंज बॉर्डर पे। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं कि करीब 5 जवानों तथा एक ASI के साथ ये गोपालगंज सिवान बॉर्डर काफ़ी अच्छे तरीके से सील किया जा चुका है। लगातार जब सिवान में मरीजों की संख्या बढ़ती गई, इसके पश्चात तब यहाँ के जो आला अफसर थे, जो उच्च पदाधिकारी थे, उन्होंने यह निर्णय लिया कि जो सिवान और गोपालगंज का बॉर्डर है तथा जो सभी थाना हैं उनकी जो सीमाएं हैं उन सभी को सील कर देना है। इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि लगातार 3-4 दिनों में अचानक ही सिवान में कोरोना मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ने लगी थी और इसमें लॉकडाउन की जो अवधि है वो भी कभी निकट आ चुकी थी। और तब जो यहाँ के जो DIG हैं, जो पुलिस पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने निर्णय लिया कि जो सिवान जो जिला है उसके सभी सीमाएं तथा प्रखंड स्तर पे जितने भी बॉर्डर्स हैं उनको सील किया जाना है। बाहरी सीमाओं की बात करें तो सिवान गोपालगंज का ये जो मुख्य मार्ग है, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी वीरान पड़ा हुआ है, ये मुख्य मार्ग इस अवधि में काफ़ी ज़्यादा सील है क्योंकि यहाँ पे जो 5 ऐसे बिहार पुलिस के जवान तथा एक ASI के माध्यम से इसे सील किया गया है। ASI के बारे में लोगों का कहना यह है कि ये अभी छुट्टियों में आए हुए थे, परंतु लॉकडाउन की वजह से ये यहीं पे फंस गए। तो यहाँ के अधिकारियों के जो निर्देश जारी हुआ था कि इसमें जो व्यक्ति जहाँ पे जो पुलिस तैयारी सिविल सर्विस वगैरह में है, उनको जो अपने घर पे अगर फंसते हैं तो वो अपने ही क्षेत्र में ही अपने सेवाओं का निर्वहन करेंगे। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये किस प्रकार से इस सिवान गोपालगंज बॉर्डर की देख रेख कर रहे हैं और क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं और किस प्रकार से ये लोगों को कन्वेंस कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बता दीजिए कि किन लोगों को गोपालगंज से सिवान आने की अभी अनुमति है और किस प्रकार की परिस्थितियों में आपका कैसा निर्णय रहा है? देखिए, ऐसे तो आने के लिए अभी वही जो इमरजेंसी किसी का तबीयत सीरियस पोजीशन में एम्बुलेंस में है उसी को जाने देने के लिए अभी हमारे गोपालगंज जी साहब की आदेश है कि उसको विशेष परिस्थिति में देखते हुए, बाकी किसी को नहीं जाने का आदेश है। तो सर, जैसा कि किसी को जाने का आदेश नहीं है, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेडिकल इमरजेंसी का बहाना लेते हैं या पुर्जा वगैरह लेकर कोशिश करते हैं कि गोपालगंज से सिवान यहाँ पे आ जाए, क्योंकि जो सदर अस्पताल है जो सिवान का वो काफ़ी नज़दीक में है यहाँ से भी। तो उन लोगों के साथ आप कैसे निपटते हैं? उन लोगों के साथ हम बताते हैं कि आप जो है, या तो अगर गोपालगंज के ज़िले के रहते हैं तो हम बोलते हैं कि आप गोपालगंज में सदर हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ जो है आपका सब व्यवस्था ठीक है। समझा बुझा कर उन लोग के जैसे होता है, जहाँ सहूलियत है अगर गोपालगंज के हैं तो गोपालगंज में हम भेज देते हैं। सिवान के लोग आते हैं तो कहते हैं कि सिवान आपका नज़दीक है, गोपालगंज मीरगंज क्यों जाइएगा, जो है आप सिवान जाके दिखाइए। समझा बुझा के उन लोग हम लोग भेज देते हैं विशेष मरीज के लिए। सर, सुनने में ये भी आया कि करीब आज गोपालगंज और सिवान के कुछ जो स्वास्थ्य कर्मी थे, जो लोग यहाँ के अस्पतालों में तथा वहाँ के अस्पतालों में यहाँ से वहाँ जाकर कार्य करते थे, उन लोगों को भी इन सीमाओं से वापस लौटा दिया गया है। तो सर, इस पे क्या आपको मालूम है? उस पर लौटा दिया है, कुछ लोग बकझक भी किए, लेकिन हम लोग खुद कहे कि आप लोग जो है समझदार व्यक्ति हैं, कोरोना से लड़ने के लिए हम लोग आदेश को अपना पालन कर रहे हैं। हमारे सुप्रियर बस SV साहब हुए, उनके आदेश से हम लोग यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। आप जो है आपके आदेश SDO साहब से अब आदेश ले कर आइए हमारे पास, अगर उनका आदेश होता है तो हम आपको जाने देंगे। जी बिल्कुल, ये काफ़ी सख्त निर्देश दिए गए हैं लोगों को कि लोग इस ज़िले से उस ज़िले में बिना किसी भी सुपीरियर के अनुमति के बिना प्रवेश ना करें। और जैसे ही यहाँ पे मरीजों की संख्या बढ़ी है उसके पश्चात तो ये काफ़ी ज़्यादा सख्ती प्रशासन के द्वारा दिखाई गई है। पहले जो भी मेडिकल इमरजेंसी के लोग थे वो लोग बॉर्डर इससे क्रॉस कर जाते थे, परंतु जैसे ही जो यहाँ के जो अधिकारी हैं और वहाँ के अधिकारियों के बीच संवाद हुआ तो उसके पश्चात बिना किसी मेडिकल इमरजेंसी वाले लोगों को उनके ही अस्पतालों, क्षेत्रीय अस्पतालों में इलाज कराने का निर्देश दिया गया है। अब देखना ये हुआ कि ऐसी स्थिति में कब तक सिवान के लोग अपने आप को क्वारंटाइन करते हैं, घर में ही आइसोलेट करते हैं, क्योंकि ये हमारी जिंदगी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है।